हेलो लियो, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? सो आज हम आपके लिए जून मंथ के प्रेडिक्शन करने वाले हैं फॉर लियो, यानी कि सिंह राशि। सन मून राइजिंग वीनस आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, और अगर आप एक क्रॉस वॉचर भी हैं तो बाकी के साइंस के वीडियोस आ चुके हैं चैनल पर, और भी जो बाकी है वो भी बहुत जल्द आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। तो हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ में, आपके करियर में और ऑल ओवर लाइफ में क्या क्या चीज़ें होंगी जून मंथ में। ओके, सो देखते हैं गाइस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है बेसिकली फॉर लियो, उसके बाद करियर का देखेंगे। हमारे पास है टेन ऑफ कप्स, हमारे पास है द मैजिशियन, हमारे पास है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉन्ड एक्स है टू ऑफ कप्स। वाओ, ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, आई एम सो हैप्पी। वाओ, सो लियो यहाँ पर क्या चल रहा है आप लोगों का? ओके, सो जून मंथ में क्या होने वाला है? देखिए, आपके लव लाइफ में आप जो भी चाहते हो, जिसके लिए आपको ऐसा फील होता है कि आप डिज़र्विंग हो, लाइक एक क्राइटेरिया बना रहता है ना कि मैं ये डिज़र्व करता हूँ या फिर मैं ये डिज़र्व करती हूँ, मुझे ऐसा पर्सन चाहिए, मैं ऐसा पर्सन ही मैं अपने लाइफ में पाना चाहता हूँ। तो जो भी चीज़ें हैं जो आपने सोच कर रखा है अपने लिए, ठीक है, जो आपने जो है अपने लिए एक लिस्ट बना कर रखा है, या फिर जैसी आपकी इच्छा है, चाहत है, आपने जैसा आपने आपको पूरे तरीके से क्लियर रखा है कि मुझे ऐसा पर्सन चाहिए या फिर मुझे ये स्पेसिफिक पर्सन चाहिए या फिर मुझे इस तरीके से शादी करनी है, इसे चाहिए, इसके साथ कनेक्शन बनाना है, सो जो भी आपने अपने लिए सोचा है कि आप डिज़र्व करते हो अपने लव लाइफ में, सो वो चीज़ आपकी यहाँ पर जून मंथ में 110% पूरी होती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि अगर आप कमिटेड हैं ऑलरेडी किसी कनेक्शन में, तो बहुत चांसेस हैं कि आपके पर्सन आपसे शादी ही कर ले या फिर आपको मैरिज का प्रपोजल दे दे जून मंथ में। ओके, कुछ लोगों के लिए आप चांसेस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि जो लोग रीडिंग देख रहे हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत हैप्पी कनेक्शन में है किसी के साथ, एंड आगे अब बढ़ेगी वो कनेक्शन, ठीक है, या तो बहुत जल्दी मैरिज हो जाएगा जून मंथ के अंदर ही, या फिर मैरिज या फिर इंगेजमेंट होने के चांसेस हैं आपके। ओके, बट अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे थे या फिर आप किसी पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो अपने प्यार का इजहार करे या फिर आप उनके साथ कनेक्शन में आए, चाहे आपकी एक क्रश है, लवर है, एक्स है, कोई फ्रेंड भी है, तो भी मुझे आपको जो है दिख रहा है कि वो चीज़ें पूरी होंगी। ओके, सो कुछ ना कुछ लव लाइफ से रिलेटेड आपका स्टार्ट होगा। अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हैं और आप जो है किसी एक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने ज़िंदगी में, किसी ड्रीम बॉय ड्रीम गर्ल को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके, सो मुझे यहाँ पर बहुत एनर्जीज आ रही है कि यस, ये आपकी पूरी होगी, ये इंसान डेफिनेटली आपके लाइफ में जून मंथ में आ जाएंगे। बहुत लोगों के लिए कनेक्शन भी शुरू हो जाएगा, बहुत लोगों के लिए कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा। ओके, अगर आप पास्ट से भी किसी का वापस आने की चाहत रख रहे हैं, चाह रहे हैं कि कोई पास्ट से वापस आए, तो डेफिनेटली रीयूनियन आपका होगा, 110% होगा। अगर आप मैरिड भी हैं, आप अपने हस्बैंड वाइफ का वेट कर रहे हैं या फिर चाह रहे हैं आपके हस्बैंड वाइफ आपके लिए स्टैंड लें, तो वो चीज़ भी होगी। सो जो भी आपका इच्छा है आपके लव लाइफ में, जो भी आप चाह रहे हो, वो इस जून मंथ में पूरी होगी 110%, और आपको बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सो किसी ना किसी का प्यार आपको मिलेगा, चाहे ये न्यू पर्सन का प्यार हो, पुराने पर्सन का प्यार हो, लेकिन प्यार आपको मिलेगा। और अगर आप मैरिड लाइफ जी रहे हैं बट चीज़ें थोड़ी सी तनाव वाली चल रही है या फिर थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो भी ठीक हो जाएगा। आप दोनों के बीच में और भी ज़्यादा प्यार एंड इमोशंस बढ़ेंगे आप दोनों के कनेक्शन में। ओके, सो यहाँ पर तो मुझे बहुत लोगों के लिए रीयूनियन नज़र आ रही है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोग न्यूली किसी कनेक्शन में आ जाओगे, ठीक है, फाइनली। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप सिंगल मदर या सिंगल फादर हैं, या फिर आप डाइवोर्सी हैं बट आप चाहते हैं कि आपके लव लाइफ में कुछ शुरू हो, तो वो शुरू होगा जून मंथ में, गारंटीड। और भी कार्ड्स देख लेते हैं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, सेवन चक्र आर्कएंजल यूरियल नंबर 41, एंड व्हाटएवर एक्स वी हैव, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। यस, कोई इंसान है जो आपके लाइफ में, हो सकता है प्रेजेंट में है कहीं ना कहीं, ठीक है, हो सकता है आप जानते हो, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है आपको पता ही नहीं है इंसान कौन है, लेकिन जो भी इंसान है जो आपके लव लाइफ में आ रहा है वो आपको जानते हैं। ओके, एंड आपके लाइफ में जो है ना बहुत ज़्यादा अबंडेंस आ रही है, बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट आ रही है, सेटिस्फैक्शन आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप कंसीव भी कर सकते हैं बहुत जल्द। अगर आप एक्स्ट्रा मैसेज मुझे आया, अगर आप मैरिड हैं, कपल हैं आप दोनों, और आप चाह रहे थे कि आप कंसीव करें, तो जून मंथ में बहुत हाई चांसेस हैं कि आप कंसीव करें। ओके,
एंड आप अपने लव लाइफ को लेकर ना सीरियसली अब कुछ सोच पाओगे जून मंथ में। अब सीरियसली ना मतलब फील कर पाओगे, सोच पाओगे कि हाँ अब लाइफ में कुछ स्टेबल चाहिए या फिर फाइनली जो चाह रहे थे वो मिला। तो ऐसी जून मंथ में आपकी एनर्जी रहेगी, चाहे ये न्यू पर्सन के साथ हो या पास्ट के इंसान के साथ हो। ओके, सो चलिए देख लेते हैं आपके करियर में चीज़ें कैसी रहेंगी। ओके, लेट्स सी। हमारे पास है नाइन ऑफ डायमंड्स, हमारे पास है सेवन ऑफ हार्ट्स, एट ऑफ स्पेड, फोर ऑफ स्पेड, एट ऑफ हार्ट्स, फाइव ऑफ क्लब्स, एट ऑफ क्लब्स, बॉटम डेक से वी हैव टेन ऑफ स्पेड। सो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि देखिए अगर आप ऑलरेडी वर्किंग है, लाइक आपकी लाइफ अगर स्टेबल है करियर में, ऐसा कोई इशू वगैरह नहीं है, तो मुझे दिख रहा है कि जून मंथ में ना आप थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकाल पाओगे, अपने पैशन के लिए, अपने खुद के आराम के लिए। ठीक है, सो मुझे दिख रहा है कि आप जो है ना थोड़ी सी रेस्ट करने वाले हो करियर की बात जब आएगी, अगर आप ऑलरेडी वर्किंग है। ओके, लाइक चीज़ें आपकी ठीक है तो आपको मौका मिलेगा कि आप अपने लिए थोड़ा सा स्पेस बनाकर जी सको, अपने आइडियाज़ के ऊपर वर्क कर सको, अपने पैशन के ऊपर वर्क कर सको। ओके, थोड़ा सा रेस्टिंग वाला पीरियड आपको हो सकता है कि आपको छुट्टी मिल जाए या फिर आप छुट्टी ले लो, या फिर हो सकता है कि आपका जो वर्कलोड है वो कम हो जाए जून मंथ में। ओके, ये चीज़ मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी चांसेस हैं कि अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं और अभी आप जॉब ढूंढ रहे हैं या चाह रहे हैं कि कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिले जिससे आपकी फाइनेंशियल गेन्स हो, सो आपको किसी न किसी चीज़ से मूव ऑन करना पड़ेगा। अगर आप एक तरीके के आपके जो है ना जॉब है, लाइक आपका ऐसा बना हुआ है कि मुझे यहीं पर जॉब करना है, फिर मुझे इसी कंपनी में जॉब करना है, फिर इसी जगह पर चाहिए, तो हो सकता है कि आपके जो प्लान्स हैं वो चेंज हो जाए जून मंथ में। और हो सकता है कि जो आप अभी सोच नहीं रहे हो उससे हटके आप कुछ करें। ठीक है, तो हो सकता है कि जहाँ पे आप ट्राई करना चाह रहे हैं वहाँ पे ना करके आपको दूसरी जगह ट्राई करना पड़े, और आप करेंगे भी जून मंथ में। ओके, सो थोड़ा सा जो लोग स्टूडेंट्स हैं, फिर जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं बेसिकली जॉब वगैरह की खोज में हैं, तो उनके लिए मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब वाला फेज़ रह सकता है, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहोगे और आपको समझ नहीं आएगा कि बेसिकली क्या करें, कहाँ से करें, क्या करें, और कंपटीशन भी बहुत रहेगा, तो थोड़ा सा आपको जो है प्रेशर बना रह सकता है करियर के मामले में। बट ट्राई कीजिएगा कि ज़्यादा ओवरथिंकिंग नहीं करना है, ठीक है, ज़्यादा दूसरों के साथ कम्पीट नहीं करना है। ठीक है, ट्राई कीजिएगा कि कम्पीट आपको खुद से करना है। ठीक है, क्योंकि जब तक दूसरों के साथ कम्पीट करोगे तब तक अपने प्रिपरेशन भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे, और दूसरों के साथ कम्पीट करते करते मन में जलसी पैदा होती है। ठीक है, तो उस सारी चीज़ों से, उस सारी नेगेटिविटी से दूर रहना है, क्योंकि जब तक आप जलसी में जियोगे, जब तक आप दूसरों के लिए खराब चाहोगे, तब तक आपके लाइफ में भी ऐसा कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये सब जून मंथ में होने के चांसेस हैं जो लोग अभी लाइक वर्क करना चाह रहे हैं या स्टूडेंट हैं, स्टडीज़ में बिजी हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए मुझे जून मंथ आपका थोड़ा इस तरीके से नज़र आ रहा है। बट जो लोग वर्किंग हैं उनका मुझे दिख रहा है कि स्टेबल रहेगा। कुछ लोगों के लिए ट्रांसफ़र हो सकता है आपका, हो सकता है आपको आप जहाँ पर भी वर्क करते हैं या अगर बिजनेस भी करते हैं तो हो सकता है आपको शिफ्टिंग करनी पड़े, या फिर आपको ट्रांसफ़र का ऑफ़र आए, या फिर आपको ट्रांसफ़र का लेटर मिले। कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका मन ना हो लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगे कि जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। और बाकी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि जो आपके फाइनेंसेस हैं, अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं तो वो स्टेबल ही रहेंगे। आप जो है जिस भी तरीके से अपने आप को कैरी कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से बना रहेगा, और आपकी फाइनेंशियल गेन्स भी होते रहेगी साइड बाय साइड। ओके, और आपको खुद के लिए भी थोड़ा टाइम मिलेगा, थोड़ा पीस मिलेगा, थोड़ा रिलीफ मिलेगा। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। यस, डेफिनेटली। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। ओके, सो आपको ये गाइडेंस मिल रहा है कि आपको ट्राई करना है ज़्यादा से ज़्यादा कि आप फ्री रह पाओ, किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में, किसी के बातों में आपको आना नहीं है, कोई आपको कुछ भी बोल रहा है तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर लोग आपको कुछ भी बोल रहे हैं, जज भी कर रहे हैं, तब भी आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, अपने ऊपर सहना नहीं है बेसिकली। ठीक है, आपको अगर लगता है कि आप कुछ सही कर रहे हैं या फिर आपकी कोई इच्छा है लेकिन उसमें अगर कोई रुकावट बनने की कोशिश करे तो अपनी स्टैंड लेने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अगर आपकी कहीं ट्रांसफ़र हो रही है या फिर आपको कहीं कुछ करने का मन नहीं है और आप फिर भी
जो है बोल नहीं पा रहे हो, सह रहे हो, तो आपको नहीं सहना है, आपको बोलना है कि नहीं आपको ये चीज़ नहीं करनी, आपका मन नहीं है, ठीक है। तो इससे आपकी जो मंथ रहेगा वो कहीं ना कहीं थोड़ा ईजी तरीके से बीतेगा। ओके सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद है। अगर पसंद है, रेजोनेट हुई, तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।